हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी भक्तों का फिर से एक बार नए ब्लॉग में। और आज है एकादशी, विजय एकादशी। तो आज मैंने सोचा ब्लॉगिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं मेरा स्केड्यूल क्या हो चुका है, ऑफिस, साधना और मेरा ये एकादशी का व्रत। तो मैं कैसे करता हूँ कैसे नहीं, आज मैं आपको दिखाऊंगा और थोड़ी हो सकता है आपको हेल्प भी हो जाए। तो चलिए, अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, पहले मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। चैंटिंग हमारी हो ही गई है और अपना आगे साधना कैसे करते हैं और ऐसे बिजी स्केड्यूल में कैसे मैनेज कर रहा हूँ यही मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहना और अभी चलते हैं पहले ऑफिस की तरफ, फिर उसके बाद में आपसे मिलता हूँ। मैं हूँ मेन रोड पे और एक हाथ से ब्लॉगिंग होने नहीं वाली और गाड़ी चलने नहीं वाली। गया हूँ कोच, एक तो दिल्ली रोड पर गाड़ी चला रहा हूँ, आपको आपको लगता है कि यमराज आपके पीछे बैठे हैं, लेकिन जब भी आप घर से निकले तो नरसिंह आरती जरूर पढ़ के निकले और डिवोटीज के गले में जो तुलसी माला होती है वो उसकी प्रोटेक्शन में हमेशा रहती है। तो जो दुर्घटना होती है उससे डिवोटीज हमेशा बचे रहते हैं और नरसिंह आरती आप जरूर पढ़ के निकले। आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि इतना शोर शराबे से। तो और काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि एकादशी पे हम क्या खाएं, तो मेरा उनसे ये सवाल है कि एकादशी पे आप खाने के लिए रख रहे हो। तो फास्ट है आज एकादशी पे, हमारी बॉडी के लिए फास्ट है और माइंड के लिए फीस्ट है। तो माइंड के लिए फीस्ट कैसे वो आगे मैं आपको बताता हूँ। तब तक मैं ऑफिस पहुँचूँ जल्दी से ऊपर अपने फ्लोर पर, फिर मैं आपको मिलता हूँ। सो इस वक्त मैं अपने ऑफिस में आ चुका हूँ और आ तो पहले गया था लेकिन अभी मेरे को टाइम नहीं मिला था कुछ बात करने का या आपसे कुछ शेयर करने का। तो अभी हमारा लंच टाइम है तो थोड़ा सा फ्री है टाइम, तो काफ़ी टाइम हमारे को आधा घंटा मिलता है, उसमें मैं आपको क्या ही बताऊँगा अभी। तो मैंने जैसे आपको बता था कि जब हम फास्ट होता है तो हमारी बॉडी के लिए होता है, कृष्णा के पैसे के लिए, लेकिन उस वक्त फीस्ट जो होती है हमारी माइंड के लिए होती है, ताकि हम उस फास्ट में अपने माइंड की फीस्टिंग कर सके, कैसे, चैंटिंग करके और रीडिंग करके, हियरिंग करके। तो ऐसे ही चल रहा था अभी, जस्ट मैं यहाँ पे भगवद गीता खोल के बैठा था अपने ऑफिस में। तो जैसे कि आप देख सकते हो, तो यहाँ मैं श्लोक पढ़ रहा था अभी भगवद गीता का 2.27। जो लोग ये सोचते हैं कि हम एक बार ही जियेंगे जीवन में या एक ही जीवन है उस कुछ भी करो, तो ऐसा नहीं है। भगवान भगवद गीता में बताते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च, कि जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा जरूर, और मरेगा तो उसका दोबारा पुनर्जन्म जरूर होगा। तो ये है, हमारी साल में भी ऐसे बीच बीच में होती रहती है, रीडिंग भी टाइम मिलता तो करते हैं, फिर हियरिंग भी कर ही लेते हैं। तभी ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं जाऊँगा थोड़ा सा प्रसाद माने। तो आज एकादशी है तो एकादशी में सिर्फ फ्रूट्स या मिल्क, सॉलिड प्रोडक्ट या मिल्क जो भी होता है हम वो प्रेफर करते हैं, तो आप भी वो लीजिए। तो ये हमारा एकादशी प्रसाद जिसमें पनीर है और ड्राई फ्रूट वाली खीर है, लेकिन ये इसमें शुगर जीरो है। ये है नारियल, मखाने और बाकी ड्राई फ्रूट और थोड़ा सा दूध, तो यही अभी हम पाएंगे और उसके बाद मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो अब बज रहे हैं शाम के 7:15 या 7:30 के आसपास और मेरा हो चुका है ऑफिस से ऑफ, और अब हम जाएंगे थोड़ी कसरत करने क्योंकि शरीर स्वस्थ रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम जाएंगे अभी जिम, तो आप लोग भी थोड़ा अपने शरीर के लिए टाइम निकालिए ताकि आप भी भगवान की सेवा कर सकें और स्वस्थ रह सकें। तो अभी मैं जिम जाके आपसे मिलता हूँ और जिम में पोस्ट अब हम। तो अब है हमारा ऐसा ही थोड़ा शेड्यूल, तो देखते हैं आप लोग
मोटिवेट कीजिए कमेंट सेक्शन में, बताइए और अपने टॉपिक्स बताइए, प्रॉब्लम्स बताइए, ताकि हम शेयर कर सकें आपसे। और क्या कैसे चाहिए व्लॉग्स, किस टाइप के, क्या क्या चीज़, जो भी है आप बताइए, मैं आपको सर्व करने में पूरा प्रयास करूँगा अपना। कल महाशिवरात्रि भी है, तो सबको जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय श्री राम, हरे कृष्णा, जगदूषिल प्रभुपाद की जय।